फ्रेंड्स, मैं अनीता। हमारे चैनल स्पेक्टली अनीता में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साइड में लगे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक नई रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो कलाकंद की है। जी हाँ, कलाकंद दूध से बनाई जाने वाली मिठाई है जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कलाकंद स्वीट रेसिपी। कलाकंद बनाने के लिए हमें सिर्फ दो सामग्रियों की आवश्यकता है, चीनी और दूध। सिर्फ दो चीज़ों से हम कलाकंद बनाएंगे। तो कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दूध, जिसका वेट है 2 लीटर। एक पैन लेंगे जो कि मीडियम फ्लेम पर हम गरम करेंगे और इसी पैन में हम दूध डालेंगे और दूध को उबालेंगे और इसी समय हम दूध में डालेंगे चीनी। यहाँ पर हमने सिर्फ 250 ग्राम चीनी लिया है। 20 से 25 मिनट तक, जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए तब तक दूध को हम उबालते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर और बीच बीच में फ्लेम हाई भी कर देंगे ताकि दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए। लेकिन इस दौरान दूध को हम चलाते रहेंगे। बीस मिनट तक दूध उबलने के बाद दूध कुछ गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। यहाँ पर हमने 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को हम कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, कद्दूकस की सहायता से पनीर को हम बहुत बारीक कद्दूकस करेंगे और दूध को इसी तरह से गाढ़ा करेंगे पनीर के साथ। पकाते हुए 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे गाढ़ा करेंगे ताकि दूध गाढ़ा हो जाए और कलाकंद जमने लायक हो जाए। अगर दूध में ज़्यादा गुठलियाँ हैं तो मैशर की हेल्प से दूध को मैश कर सकते हैं ताकि दूध की गुठलियाँ ख़त्म हो सके और कलाकंद सिर्फ हल्का सा दरदरा सा रहे। ये देखिए, कलाकंद जमने लायक दूध एकदम परफेक्ट है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक कोई ट्रे लेंगे जिसमें हम कलाकंद को जमाएंगे। इसी तरह से हल्का गर्म ही रहे तभी कलाकंद को ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे और हल्का सा टैप कर देंगे ताकि कलाकंद सेट हो जाए। इसके बाद ठंडा होने देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और ऊपर से गार्निश कर देंगे पिस्ता से। बारीक पिस्ते को बारीक काट लेंगे। इसके बाद कलाकंद के ऊपर इसी तरह से सजा देंगे। अब लेंगे एक चाकू और चाकू की सहायता से कलाकंद को स्क्वायर शेप में कट करेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, किसी भी आकार में, छोटा या बड़ा। इसी तरह से कलाकंद के सारे पीस को हम अलग कर लेंगे। अब कलाकंद को एक सर्विंग प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी होती है ये स्वीट रेसिपी। आप कभी फेस्टिवल में बनाएं, कोई मेहमान आपके घर आने वाला है तो पहले से बनाकर स्टोर कर सकते हैं। एक बार
दूध की मिठाई को आप इस तरह से बनाइए और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साइड में लगे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।